हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एसएसआरटी ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले की कम ग्रेवी वाली मसाला सब्जी। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए सबसे सब्जी छील के काट के साफ कर लेंगे। तो एक केले वैसे तो धुले हुए हैं, लेकिन इनको छील के पानी में ही डालना पड़ेगा, नहीं तो इनका रंग काला पड़ जाएगा। तो इनको मैं छील लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। और ये देखिए, इसको डायरेक्ट इसी तरीके से पानी में काटते हुए डाल देंगे, नहीं तो फिर तुरंत रखने से काले पड़ जाते हैं। पानी में डालने से इनका रंग बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। और साथ ही में ये सारे प्याज वगैरह सब छील के साफ कर लेंगे। टमाटर भी काट लिए, इसमें दो हरी मिर्च डालती हैं, ये सूखी हरी मिर्च थी तो इनको भी डाल देंगे। सारे मसाले पीस लेंगे। और ये केलों को हमें भूनना है, तो पानी से निकाल के इनको कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी ना गैस पे, तो तेल गर्म हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से डाल देंगे तेल में, क्योंकि तेल गर्म था और कच्चे केले जो है हमारे पानी से निकले हुए गीले थे, इसीलिए मैंने प्लेट से ढक दिया, तो जो तेल चिटकेगा ना वो ऊपर नहीं आएगा। और तेज़ आंच पे ही इनको भूनना है। देखिए, केले हमारे भुन गए हैं अच्छे से। इनको निकाल लेंगे अलग बर्तन में, देखने में भी हल्के सुनहरे लग रहे हैं। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई में, ये निकाल के अलग कर लेंगे, क्योंकि इस सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो ये डाल देंगे ये मसाला जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है, प्याज लहसुन टमाटर मिर्च का। और थोड़ा सा मसाला ये पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। तो मिर्च डालेंगे, तीखी वाली नहीं डालेंगे, ये देगी मिर्च यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हरी वाली मिर्च भी डाली है ना मैंने, नहीं तो फिर ज़्यादा सब्जी तीखी हो जाएगी। तो ये देखिए, मसाले मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जैसी ग्रेवी आप बनाना चाहें, क्योंकि मैं कम ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ ना। और अगर आप चावल वगैरह के साथ खाने के लिए बनाएं तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेगा। मैं इसमें लगभग एक कटोरी पानी डाल रही हूँ। और आप अगर ज़्यादा ग्रेवी वाली बनाना चाहें तो इसमें दो कटोरी लगभग पानी पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो केले भुने हुए केले बनाते हैं ना, तो ये पानी सोखते हैं। तो जो ये इतनी ग्रेवी मैंने डाली है ना, तो सारी ग्रेवी जो है केले सोख लेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी बचेगी। और इस तरीके से सब्जी केले की बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब डाल देंगे यहाँ पे ये गरम मसाला थोड़ा सा, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद ये ग्रेवी, इसमें उबाल आने पे जो केले हमने भून के रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इन केलों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं, केवल जो ये मसाला डाला है ना, तो मसाले की कोटिंग केलों पर करनी है। तो ये एक मिनट के लिए इसको ढक देंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि केले हमारे अच्छे से भुने और पके हुए हैं। तो ये देखिए, अब सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसको पलट लेंगे अलग बर्तन में। तो अगर आपके पास हरी धनिया हो तो डाल दें, इस समय मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई फ्रेंड्स, तो प्लीज़